अगन बाड़ी रे की हवा सधारा राजी करी 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 बोलिया करका धरैबा किल्ला लका एती पड़ीबा अरे ओ लई अरे लका चॉकलेट हाँ वही कहे का मतलब हुआ। हाँ तो मिस्टर मिनासा जी मुझे कहना है क्या क्या कहना है कि 1000 के नौकरी पे 2000 के साड़ी अगन बाड़ी रे कि 1000 के नौकरी पे 2000 के साड़ी अगन बाड़ी रे जा सूरत बिगा के बिगाड़ दबा आई अगन बाड़ी रे ती हवा सधारा राजी करी अगन बाड़ी रे अगन बाड़ी रे की हला सगाला बाड़ी गाड़ी अगन बाड़ी रे की हला सगाला बाड़ी गाड़ी 1000 के नौकरी पे 2000 के साड़ी अगन बाड़ी रे 1000 के नौकरी पे 2000 के साड़ी अगन बाड़ी रे अगन बाड़ी रे की हला सगाला चलिए अपने अपने स्थान में आएंगे है ना अपने अपने नंबर में आएंगे नंबर नहीं भूलेंगे उर्फ मगध एक्सप्रेस ग्राम धर्मपुर पोस्ट कचहरिया थाना चंडी जिला नालंदा बिहार 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 यात्रीगण कृपया ध्यान दे मगध एक्सप्रेस इस्लामपुर से खुल चुकी है नई दिल्ली की ओर जा रही है कृपया टिकट कटा कर चढ़ जा सकते हैं प्रणाम गे नानी लही मिठैया गे आगे प्रणाम गे नानी लही मिठैया गे खुश हो जा बेटी आगे तोरे को आ नतनी आइलो आगे आगे हमनी के पेट के खाई गे नतनी ना लगेगे तो नतनी ना खाई नानी नानी आशीर्वाद दे रहे हैं है ना हाँ तो मिस सुगनी जी मुझे कहना है अच्छा क्या कहना है कि इनका हस्बैंड यानी मर्दुआ दिल्ली रहते हैं दिल्ली कमाते हैं और ये अपने पति के पास फोन करके कहती है कि जी दशहरा दीपावली पार कर गया क्या कहते हैं और लगले सरस्वती पूजा आ रहा है इसमें भी नहीं आइएगा तो क्या होली से पर्व आ रहा है होली से पर्व में नहीं आइएगा तो इनका हस्बैंड कहते हैं कि देखो मैं मगध एक्सप्रेस का टिकट ले रखा हूँ और जल्द से जल्द फागुन में अपने गांव को लौट रहा हूँ है ना तो ये कहती है क्या कहती है कि और कोई गाड़ी नहीं थी जो आप मगध एक्सप्रेस को टिकट कटवाए हैं तो कहते हैं इनका हस्बैंड कि कहना क्या है जो कहना है खुल कर कहो तो ये अपने पति के पास वीडियो कॉल फोन करके कहती है क्योंकि आज नेट का जमाना है ना क्या कहना है कि सुनिए कमान भाई सुनिए कमान भाई आया धबाए राजा जी अत बड़ी लेके चले ले माता धबाए राजा जी
भाई राजा जी, गाड़ी लेके चले रे मगध भाई राजा जी, गाड़ी लेके चले रे मगध भाई राजा जी, गाड़ी लेके चले रे मगध भाई राजा जी। चलिए अपने स्थान में आएंगे, कौन आएंगे? मिस्टर जोकर साहब, मिस्टर जोकर साहब जिन्हें नाम है रेणु पंडित, ग्राम कृष्णा बिखा, पोस्ट बास्ती, थाना हिलसा, जिला नालंदा, बिहार, बिहार, बिहार। हरे नहीं हरे जाई के पड़े जिद कर बही ए हमारा के डल बो गोरी, कैसे हमारा के डल बो गोरी, झूठू झमेला में अच्छा गोरिया हेरा हर नई आरा के मेला में ना चल के बाद नया नहरी अभी कन्या आई नई हर जड़ के बड़े जिद कर भई नया नहरी अभी कन्या बड़ी नई हर जड़ के कहे जिद कर तर हमारा के डल भूगोरी हमारा के डल भूगोरी झूठ झमेला ए बच्ची अरे गोरिया गोरिया हेरा जई मु नई हारा के मेला में गोरिया भुला गईले सूरतपुर के मेला में गोरिया हेरा जई मु नई हारा के मेला में नया नहरी अभी कनिया आई नई हर जई के बड़े जिद करब नया नहरी अभी कनिया बड़ी नई हर जई के कहे जिद कर करू अरे गोरिया हेरा जईबू नहीं हारा के मेला में गोरिया भुला जईबू सूरतपुर के मेला में का करबो ए मर्जी हाल के गबन मा पिया कैलहा गबन मा लगे गवन माफिया कोला गवन माल के गवन माफिया कोला गवन माल की गवन माफिया कोला गवन पूजा पाठ कैले बनी बतयारी पूजा पाठ कैले बारे नया नहरी अभी कनिया आई नई हर जई के बड़े जिद करब नया नहरी अभी कनिया बड़ नई हर जई के कहे जिद कर तरी हमारा के डल गोरी हमारा के डल गोरी झूठ तू झमेला में हे गोरिया हेरा जई तू नैहरा के मेला में गोरिया भुला गोरिया हेरा जईबू नैहरा के मेला में गोरिया भुला जईबू सूरतपुर के मेला में।
खेल